आरक्षण आरक्षण आरक्षण। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर घमासान मच गया है। पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में अब सीधी भर्ती 73% आरक्षण के हिसाब से की जाएगी। मतलब ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% तक कर दिया जाएगा। लेकिन 16 फरवरी बीते कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ओबीसी आरक्षण 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुत। आयुत की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लग रही है क्लास, कौन होगा फेल कौन होगा पास। साथ ही मध्य प्रदेश को मिलने वाली है नर्मदा एक्सप्रेसवे की सौगात। लेकिन उससे पहले अब इंदौर में भी गीले कचरे से सड़कों पर दौड़ेंगी गाड़ियां। इंदौर कई वर्षों से प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर अव्वल आ रहा है, तो वहीं स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर हमेशा नवाचार करता ही रहता है। कई प्रकार के नवाचार हमें देखने को मिलते हैं। तो वहीं अब पोहे, शिक्षा और व्यापार के अलावा अब स्वच्छता के नाम पर भी देश में इंदौर को जाना जाता है। अब इंदौर में मिलेगी आपको स्वच्छ हवा, धुएं के बादल छट जाएंगे, इंदौर का माहौल होगा बिल्कुल अलग, क्योंकि इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट शुरू होने वाला है, जिसका उद्घाटन कल 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। दिल्ली की एक कंपनी द्वारा इस बायो सीएनजी प्लांट को बनाया गया है, जिसकी कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि 15 एकड़ में बना है। ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार अपने साथ एक पार्टनर प्राइवेट कंपनी को बनाती है, उस प्रोजेक्ट को चलाने का काम, उस प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस का काम प्राइवेट कंपनी का रहता है। इसमें से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से कुछ प्रतिशत सरकार के पास जाता है और कुछ प्रतिशत उस प्राइवेट कंपनी के पास। इसे ज़रा हम और सरल करेंगे। आपके पास एक साइकिल है, वो आपके घर में रखी है, आप चलाती नहीं हैं। उस साइकिल को उठाकर आप अपने मित्र को दे देंगे। आप अपने मित्र से कहेंगे कि आप इस साइकिल को चलाइए, इस साइकिल को मेंटेन करिए, जब भी आवश्यकता होगी हम आपसे इस साइकिल को वापस ले लेंगे। ये है पीपीपी मॉडल। इस प्लांट में प्रतिदिन 100 टन गीला कचरा डाला जाता है, जिससे 17,500 किलो बायोगैस तैयार की जाती है। इंदौर की लगभग 400 सिटी बसों को सीएनजी इंजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। साथ ही निगम को ये गैस दूसरे कंपनी के मुकाबले 5 रुपए सस्ती भी मिलेगी। एक रोचक बात यह है कि इंदौर निगम को इस प्लांट से प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की बचत होगी, तो वहीं 50 करोड़ रुपए की आमदनी भी होगी। प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, मतलब चुनाव नजदीक है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में पीसीसी कार्यालय में एक बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में मौजूद थे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। कमलनाथ ने सारे जिला अध्यक्षों से बातचीत की, 1-to-1 चर्चा की, उनसे सदस्यता अभियान को लेकर प्रगति के बारे में पूछा कि किस प्रकार से सदस्यता अभियान चल रहा है, आप वर्चुअली करें या फिर व्यक्तिगत जाके लोगों से बात करें, लेकिन सदस्यता अभियान में ढील नहीं पड़नी चाहिए। आपने कुछ शब्द सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही सुने होंगे, जैसे मंडल, बूथ, विस्तारक, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी इन शब्दों का उपयोग करने लगी है, जैसे मंडल नियुक्ति करना। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों को सीधी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपके पास 8 दिन का समय है, इन 8 दिनों में मंडलम की नियुक्तियां कीजिए, नहीं तो 28 तारीख के बाद आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो वहीं मुकुल वासनिक ने कहा कि आप पार्टी के बीच में तालमेल बनाए रखने का प्रयास कीजिए, आप अपने जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, जो नगर स्तर के कार्यकर्ता है, उससे बातचीत कीजिए, बातचीत करने के बाद समाधान निकालिए और यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए, इस बात का भी ध्यान रखिए।
आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। पिछले बार शिवराज सिंह चौहान ने सभी को ये आदेश दिए थे कि अब कैबिनेट बैठक में सारे लोग एक्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते कुछ दिनों पहले खुद कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। आज की इस कैबिनेट बैठक का मुख्य बिंदु रहा कि किस प्रकार से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कैसे पहुंच सकता है। चर्चा खत्म होते ही निष्कर्ष निकला कि मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत अमरकंटक से की जाएगी। अमरकंटक से होता हुआ मध्य प्रदेश के लगभग 7 जिले इस एक्सप्रेस वे से कवर किए जाएंगे। वहीं झाबुआ से होता हुआ ये एक्सप्रेस वे गुजरात की ओर निकल जाएगा।